नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। आज मैं ऐसे महिला से मिलाने जा रहा हूं जो बिहार की पहली टैक्सी महिला ड्राइवर है। दोस्तों इनका नाम है अर्चना जी। पूरा आप एड्रेस बता दें, कहां से हैं और कैसे जर्नी को आप स्टार्ट किए, ये बड़ा है। आपको टैक्सी पर तो बैठते हैं क्योंकि टैक्सी चला रहे हैं, तो कस्टमर बुक करता हूँ आता हूँ, कुछ कोई लड़कन है बुतरू है कुछ कॉमेंट कर दे, ये सब कॉमेंट करता है या कैसा, मतलब कैसा कस्टमर आता है ये बताइए। कस्टमर जो भी मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, कस्टमर से हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। हाँ, बाहरी लोग कमेंट करते हैं, व्यंग करते हैं, बहुत तरह का बात कहते हैं। सीखना चाहती है तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अगर आप में इच्छा है तो आप सीख लेंगे, बहुत जल्द ही सीखेंगे, मतलब एक महीना में सीख लेंगे। और अगर खुद में इच्छा नहीं है कोई चीज़ सीखने का, तो उसके लिए तो भाई एक महीना क्या, एक साल भी में भी कोई नहीं सीख पाएगा। इसी काम को आगे करना चाह रहे हैं, और जो भी महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती हैं, इस काम को करना चाहती हैं या सीखना चाहती हैं, वो आके हमसे सीख सकती हैं। और उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और एक वुमेन ट्रेवल एजेंसी भी स्टार्ट करेंगे, जो कि महिलाएं ड्राइविंग सीट पर रहेंगी, बाकी कस्टमर तो कोई भी रहेंगे, जेंट्स हो लेडीज हो सभी रहेंगे। और जो ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए, उस पर मान लीजिए जेंट्स आता है तो उसको क्या है, आप सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी? हम सिखाएंगे, कह तो रहे जेंट्स भी आएंगे तो उन्हें भी हम सिखाएंगे, और वो भी कहीं भी किसी को आना जाना हो तो जैसे हम सभी को लेके आते जाते हैं, वैसे ही जो भी ट्रेंड महिलाएं रहेंगी इस काम को करेंगी, वो भी लेके आएंगी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। आज मैं ऐसे महिला से मिलाने जा रहा हूं जो बिहार की पहली टैक्सी महिला ड्राइवर है। दोस्तों इनका नाम है अर्चना जी। पूरा आप एड्रेस बता दें, कहाँ से हैं और कैसे जर्नी को आप स्टार्ट किए, ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना पांडे है जी। मैं अनिसाबाद पटना बिहार से हूँ, और मैंने पहले प्राइवेट जॉब ही किया था। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर हम अपना एक मसाला का बिजनेस भी सेटअप किए थे, तो वो बिजनेस चल नहीं पाया पैसों की कमी के कारण। इसलिए फिर जो मेरा शौक रहा गाड़ी चलाने का, तो हम सोचे कि एक आर्थिक जरूरत भी पूरा होगा, एक इनकम का जरिया भी हो जाएगा और अपना शौक भी पूरा होगा, तो इसलिए हम ये गाड़ी निकाले हैं और तब से चला रहे हैं। आपको ये शौक है और शौक के आपको पूरा करने के लिए थोड़ा इनकम भी हो जाती है, ये मतलब कहना है आप लोग का? जी, मेरे बच्चे हैं चार, तो उन्हीं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सके, इसलिए ही हम ये गाड़ी चलाना ही अपने एक इनकम का जरिया चुने हैं। अच्छा, ड्राइविंग ही आपको, आप बोले कि आपको प्राइवेट भी किए, लेकिन आपको जो खास करके लेडीज के लिए बोला जाता है कि अदर फील्ड जैसे है कि वर्क करते हैं वहाँ पर सेफ नहीं रहता है महिलाओं, आप कैसे यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं? कौन कैसा मूड में आता है, कब कैसे, क्योंकि रात का भी आप चलाते होंगे, कब कैसा मूड में आ जाए, कैसे हैंडल करते होंगे लोग? देखिए, लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही कहा जाए तो सेफ नहीं है। हाँ। चाहे वो कोई भी काम करे, नर्स का ही करे या पार्लर में करे या जो भी, घर से बाहर निकल के अगर लड़कियां काम कर रही हैं तो ऐसा लोग मानते हैं कि सेफ नहीं है। लेकिन आत्मशक्ति तो अपनी होनी चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाहर के जो भी बाहरी चुनौतियां आए उनका हम सामना करें और अपना काम करें। मतलब चलाते हैं उस समय कस्टमर आता है, आपको टैक्सी पर तो बैठते हैं क्योंकि टैक्सी चला रहे हैं, तो कस्टमर बुक करता हूँ आता हूँ, कुछ कोई लड़कन है बुतरू है कुछ कमेंट कर दे, ये सब कमेंट करता है या कैसा, मतलब कैसा कस्टमर आता है ये बताइए। कस्टमर जो भी मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, कस्टमर से हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। हाँ, बाहरी लोग कमेंट करते हैं, व्यंग करते हैं, बहुत तरह का बात कहते हैं, तो बाहरी लोगों से हमें कोई मतलब होता नहीं है। बाहरी लोगों का जो भी कमेंट करने वाले, व्यंग करने वाले होते हैं, उनको हम अनदेखा ही करते हैं और बस हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, बाकी के बात तो पर नहीं। आप इंस्पिरेशन के कहाँ से लिए कि क्या आपको इंस्पिरेशन कौन बने कि हमको टैक्सी चलाना है, और जो बिहार में, खास करके बिहार में जो महिलाओं के लिए सेफ नहीं माना जाता, खास करके वो भी ड्राइविंग कर रहे हैं, कब वाकई में आपको काबिले तारीफ है दोस्तों कि बिहार में है, रात हो या कभी हो आपको चलाना पड़ता है टैक्सी, आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर लोगों के तो आपको जिंदगी पता ही है कि कब कहाँ चल जाए ये कोई पता नहीं है दोस्तों, तो कैसे आपको, कौन इंस्पिरेशन बने, किनसे आपको इंस्पिरेशन लेकर यह स्टार्ट किया? हमें ऐसा कोई इंस्पिरेशन कहीं से मिला नहीं, ये मेरी अपनी इच्छा हुई
और मेरा अपना अपनी जरूरतें हाँ पूरा करने अपनी के। जरूरतें पूरा करना है, अपने बच्चों का जरूरतों को पूरा करना है, उन्हें पढ़ाना है। और हम सोचे कि बाकी तो सारा काम सभी लोग कर ही रहे हैं, तो कुछ अलग भी करना चाहिए, और ये काम हमें सबसे अलग लगा। अच्छा और अच्छा क्योंकि मेरा शौक भी रहा है, तो ज्यादा कुछ सोचे विचारे हम नहीं है इस पर, और बस अपने शौक को ही अपना काम बनाए और एक इनकम का जरिया बनाए, और अच्छा बस हम ये सब से टैक्सी कर रहे हैं। कितने कितने दिन में आप सीख गए थे चलाने के लिए? जो आदर भी महिला अगर चलाना चाहे उसको क्या आप बोलिएगा? गाड़ी तो हम बहुत पहले से सीखे हुए हैं, पहले से चलाते हैं, इस अच्छा प्रोफेशन में हम 2 साल से हैं। अच्छा और महिलाएं सीखना चाहती हैं तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अगर आप में इच्छा है तो आप सीख लेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे, मतलब एक महीना में सीख लेंगे। और अगर खुद में इच्छा नहीं है कोई चीज सीखने का, तो उसके लिए तो भाई 1 महीना क्या, 1 साल ही में भी कोई नहीं सीख पाएगा। तो सही अपनी है। इच्छा शक्ति पे है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हो। और ये टैक्सी लेने के लिए मत कैसे लेने के लिए कैसे आपने लिए, अपने पैसे से कहाँ से अर्निंग कहाँ से किए कि आप एक टैक्सी ले लिए, या कैसे ये टैक्सी मतलब कैसे आप लिए हुए हैं, अपना है क्या है? हाँ नहीं, ये हम लोन पे लिए हैं। हाँ लोन पर लिया? अच्छा अच्छा तो अच्छा लोन पे है, EMI इसका भरते हैं। अभी 2 साल पूरा हुआ है, अभी 3 साल और बाकी है, तो गाड़ी हम EMI पे लिए हैं। ये तो देख दोस्तों देख सकते हैं EMI पर लिए हैं और चला रहे हैं। आपको पटना में आप कहीं पर भी आपको ऑर्डर मारिएगा, क्यों नया एक अपना पर्सनल मार दीजिए कि हाँ भाई ये नंबर पर कॉल कीजिएगा तो आपको हम परमानेंट, क्यों जैसे उबर है वो तो कमीशन लेता होगा, राइट? इसीलिए मेरा फेसबुक आईडी है अर्चना पांडे के नाम से, वो अच्छा अच्छा लिंक हम आपको दे देंगे, वो आप डिस्प्ले कर देंगे, और जिनको भी हमसे संपर्क करना हो, कहीं भी आना जाना हो, तो वो मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं अच्छा और अच्छा गाड़ी बुक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों के बारे में बताएं कि चार चार में कौन कौन स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कैसे लाइफ को उन लोगों को सरवाइव कर रहे हैं? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं, लड़का है, और सब स्कूल में जाता है, पढ़ता है सब, और बच्चों का सपोर्ट है हमें, तभी तो हम घर से बाहर निकल के काम कर पाते हैं। वो घर पे अपना खुद का ख्याल खुद रख लेते हैं, मेरा भी साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे, तो अच्छा। बच्चों का सपोर्ट साथ है, तब हम घर से बाहर निकल के काम कर रहे लोग हैं। बैठते हैं टैक्सी पर, लोगों से कितना हेल्प मिलता है, प्रशासन से कितना हेल्प मिल रहा है, लोग कितने परेशानियां कुछ आपको झेलना अभी तक पड़ा है? रोड पे निकलना का मतलब ही कि परेशानी झेलना है, कोई भी हो, रोड पे कोई भी निकल के काम कर रहा है, लड़का हो लड़की हो, उसको परेशानियां तो झेलनी ही पड़ती है, अच्छा। लेकिन परेशानी से घबराना नहीं है, चुनौतियों का सामना करते हुए, परेशानी झेलते हुए अपना काम करते रहिए, बस हम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपको अर्चना जी थे, अब बिहार की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं, और जो इनको लिंक मैं दूंगा डायरेक्ट, इनको आपको डायरेक्ट आपको बुक करके आप कहीं भी आप सफर कर सकते हैं दोस्तों। पटना में, पटना से बाहर भी जाते हैं क्या? जी पूरे बिहार में जाते हैं हम, पूरे बिहार में हाँ, जाते हैं? और नेपाल काठमांडू तक जाते हैं, अच्छा। और अभी तक तो हम MP UP कोलकाता झारखंड भी जा चुके हैं। यहाँ से गाड़ी से ही चल गए हैं, हाँ क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं तो कितने गट्स है। कहा कि MP और आपको महाराष्ट्र जाने के लिए आपको कम से कम रात को हो, रात दिन मतलब दिन रात आपको गाड़ी चलाना पड़ जाएगा दोस्तों, जो नॉर्मली आपको जेंट्स लोग भी आपको नहीं जाते, लोग ट्रेन है ये सब आपको सफर करते हैं, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर होकर टैक्सी से आपको वहां तक सफर किए हैं दोस्तों। देख सकते हैं एक इंस्पिरेशन को महिलाओं के लिए बन रहे हैं आप, और क्या महिलाओं के लिए बन रहे हैं? और हम इसी काम को आगे करना चाह रहे हैं, और जो भी महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती हैं, इस काम को करना चाहती हैं या सीखना चाहती हैं, वो आके हमसे सीख सकती हैं, अच्छा। और उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे, और एक वुमेन ट्रेवल एजेंसी भी स्टार्ट करेंगे, जो कि महिलाएं ड्राइविंग सीट पर रहेंगी, बाकी कस्टमर तो कोई भी रहेंगे, जेंट्स हो लेडीज हो सभी रहेंगे। अच्छा जेंट्स और भी आएगा तो जेंट्स के भी सिखाइएगा? हाँ जेंट्स को भी सिखाएंगे, सिखाने में गाड़ी में बैठाने में कोई भेदभाव नहीं है, बस ड्राइविंग सीट पे महिलाएं रहेंगी, अच्छा ऐसा ड्राइविंग मेरा सोच है। मान लिया जेंट्स आएगा वो बोलेगा सीखना है तो सिखाएंगे उन्हें हम। सिखाएंगे, हाँ बिल्कुल, मान लिया वो भी ड्राइविंग करना चाहता है, अब बोले कि जेंट्स ड्राइविंग महिला रहेगा। जेंट्स तो चला ही रहे हैं गाड़ी, उनके लिए कहाँ मना है, वो तो चला ही रहे हैं, चलाएंगे, लेकिन मान ज्यादातर लिया हम महिलाओं आपको को जो आप जोड़ना बोल रहे चाहेंगे हैं कि उनसे। ट्रेवलिंग और जो ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए, उस पर मान लिया जेंट्स आता है तो उसको क्या है?
आप सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी? हम सिखाएंगे, कह तो रहे हैं जेंट्स भी आएंगे तो उन्हें भी हम सिखाएंगे, और वो भी कहीं भी किसी को आना जाना हो तो जैसे हम सभी को लेके आते जाते हैं वैसे ही जो भी ट्रेंड ट्रेंड महिलाएं रहेंगी इस काम को करेंगी वो भी लेके आएंगी जाएंगी, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है जेंट्स और लेडीज का। चलिए हमारे बेस्ट आपको शुभकामना है कि जल्दी से आप खोलिए और सभी लोग के लिए महिलाओं को सिखाकर ऐसे ही आपको बिहार को आगे की ओर आपको अग्रसित करें, आपको महिलाओं को ट्रेनिंग करके, हमारे लिए बेस्ट शुभकामनाएं हैं। तब तक ये देखिए कितना आपको कैसा ये प्रयास कर रहे हैं अर्चना जी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं RBN हिंदुस्तान।